क्वेश्चन नंबर 17 आपका है x इक्वल साइन टी, इसको dx अपॉन dt किया तो देखिए यहाँ पर साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t होगा, एंड y इक्वल आपका साइन mt है, साइन mt को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो साइन का हो जाएगा cos mt का अगेन करेंगे m आएगा। इक्वेशन आपकी हो गई फर्स्ट, सेकंड आपकी हो गई है, इसके बाद सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये डिवाइड अपॉन आपका क्या है dt, तो देखिए हमारी डिवाइड बाय dx इक्वल वैल्यू आ गई m cos mt अपॉन cos t। अब इसको मैं सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सेकंड टाइम का मतलब है कि डिवाइड बाय dx से मैं इसे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर कर रहा हूं, तो देखिए क्या है ये न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर, तो cos t का होल स्क्वायर, फिर होता क्या है डिनोमिनेटर यहाँ पर d by dx होगा cos mt और इसके साथ m यहाँ पर और है m cos mt है, तो m cos mt माइनस m cos आपका mt हो जाएगा और d by dx आपका हो जाएगा cos t, ठीक है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब देखिए इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, स्टूडेंट ध्यान दे कि ये dy dx है, ये dy dx है dt नहीं है, तो इसका सिंबलाइजेशन यहाँ पर जरूर होगा, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान रखिएगा, तो d अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू नीचे आपका हो जाएगा cos स्क्वायर t, ये cos जाएगा इनटू देखिए m अपने प्लेस पर है, cos का हो जाएगा माइनस साइन t और एक m और आएगा तो उससे क्या हो जाएगा m स्क्वायर, भाई cos का माइनस साइन mt को अगेन करेंगे तो t का वन m आएगा तो माइनस का m स्क्वायर, बट इसके साथ हो जाएगा dt अपॉन dx, क्यों रीजन क्या है ये x है और ये क्या है t है, तो सिंबलाइजेशन होगा हम ये है t और डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसलिए आपका ये dt अपॉन क्या होगा dx होगा, माइनस माइनस प्लस cos t का क्या हो गया भाई sin t और cos mt आपका हो गया, ठीक है, बट यहां पर भी dt अपॉन किया जाएगा dx, dt अपॉन क्या हो जाएगा dx, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है कि dt अपॉन क्या हो जाएगा dx, तो dt अपॉन dx जो आपका हो जाएगा देखिए इसका क्या इफेक्ट होगा, देखिए माइनस का m स्क्वायर cos t और साइन एम टी प्लस का एम साइन टी कॉस एम टी और ये डी टी अपॉन डी एक्स दोनों से क्या हो गया कॉमन डी टी अपॉन डी एक्स, ओके अपॉन में ऑलरेडी आपका जो है कॉस स्क्वायर टी पहले से, सो वी नो डाउट ये कॉस स्क्वायर आपका टी है माइनस का एम स्क्वायर कॉस टी एन साइन एम टी एम साइन टी और कॉस एम टी डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स ये देखिए डी एक्स अपॉन डी टी कॉस टी है, तो डी टी अपॉन डी एक्स उल्टा हो जाएगा वन अपॉन कॉस टी, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन cos t, are you okay, ये 1 अपॉन आपका हो जाएगा cos t। अब देखिए हमें ये वैल्यू किसकी फाइंड हो गई है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू एक लाइन को और बढ़ा सकते हैं ये जो cos स्क्वायर t है इसको मैं 1 माइनस sin स्क्वायर t रिटेन करता हूं और m स्क्वायर cos t साइन एम टी
प्लस एम साइन टी कॉस एम टी, ठीक है, वन अपॉन हो गया कॉस टी। ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। देखिए फर्स्ट टाइम जब आपने डिफरेंशिएट किया तो डीवाई बाई डी एक्स आया, और इसको अगेन आपने x के रिस्पेक्ट में किया तो कसार करते हुए ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आपकी कंफर्म हो गई। अब d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्लियर हो गई, तो आगे का स्टेप क्या होगा इस चीज को आप समझें। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद में वहां पर फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे भैया, डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, ये देखिए वन माइनस एक्स की पावर टू डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे रखा। इसके बाद माइनस एक्स एक्स इक्वल साइन टी हो गया, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये हो गई, फिर एम स्क्वायर वाई, वाई की जगह पर आपका साइन एम टी था, तो इस वैल्यू को यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू ये हो गई, वाई की वैल्यू आपकी ये हो गई। तो आपने देखा है यहाँ पर कि जो वैल्यू आपकी है उसे भी आप पुटअप कर रहे हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारे पास यहाँ पर बच रहा है माइनस का एम स्क्वायर कॉस टी और साइन आपका है एम टी, ठीक है, और प्लस आपका है एम साइन टी कॉस एम टी, यहां पर माइनस हो जाएगा साइन अपॉन कॉस एन टी इंटू एम कॉस एम टी, प्लस आपका एम स्क्वायर साइन एम टी। अब देखिए जीरो प्रूफ करना है, इसके अपान में देखिए यहां पर कॉस टी था, तो इस कॉस टी को मैंने इसके साथ अपान में रखा, और इसी cos t को इसके नीचे भी मैंने यहाँ पर रखा। अब देखिए cos t से cos t कैंसिल हो गया, तो माइनस का m स्क्वायर sin mt प्लस का m, ये tan आपका हो जाएगा sin upon cos, क्या हो गया tan t into m cos mt, ये देखिए tan t into m cos एम टी, तो उसी तरह से प्लस लास्ट में है एम स्क्वायर साइन एम टी, देखिए प्लस और ये माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस, तो इस तरह से क्या होता है देखिए जीरो आ गया। जीरो हमको प्रूव करना था, प्रूवमेंट आते ही हसाकू महाराज जो हमारे होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। आर यू ओके? तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 17, और बहुत ही बड़ा और लॉन्ग क्वेश्चन था। तो यहाँ पहले x इक्वल साइन टी, फिर y इक्वल साइन एम टी गिवन था, उससे हमने dy बाई डी एक्स को फाइंड किया, dy बाई डी एक्स को फाइंड करने के बाद में हमने डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू, ये हमने डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर को फाइंड किया, ये dy बाई डी एक्स आया था, फिर ये जो दो वैल्यूज हैं ये और ये, इसको उठा कर मैंने यहाँ पे रखा। ये जो x देख रहे हैं x इक्वल साइन टी गिवन था, x इक्वल साइन टी स्टार्टिंग में दिया था, देखना चाहिए आपको, तो x इक्वल साइन टी मैंने पुट अप किया, x इक्वल ये साइन टी मैंने पुट अप किया, ठीक है, एम स्क्वायर वाई, वाई इक्वल साइन एम टी, वाई इक्वल आपका साइन एम टी, तो शुरुआत से सब वैल्यू उठा के रखी गई है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था। अब यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये आपका था कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर ये 17 था, 17 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 18 में अब आपको टीच, क्वेश्चन नंबर 18, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दें पावर, इसको आप एक्स मानेंगे टू साइन इनवर्स एक्स, इसको अगेन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट में 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आर यू ओके? यहाँ से ये पावर आपका नीचे आया, कॉस इनवर्स एक्स का अगेन करेंगे तो नेगेटिव आप साइन होगा, बाकी वही आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट में हमने 1 माइनस एक्स की पावर 2 यहाँ पर क्या ले लिया कॉमन, और कॉमन लेते ही
सिचुएशन आपकी ये आ गई कि कॉमन लिया तो आपकी ये वैल्यू आ गई। अब ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। y2 का मींस है सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन और ये y है y1 का मतलब है कि वन टाइम डिफरेंशिएशन। y1 का मतलब है कि आपने एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन करने पर आपको ये फाइंड हो गया। फिर आपने y2 लिया, y2 मतलब सेकेंड टाइम फर्स्ट इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर देखिए इसको आप जानते हैं यही होगा, माइनस हो जाएगा प्लस। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया गया? पहले ये ऊपर जाएगा पावर 1 माइनस x स्क्वायर की क्या हो जाएगी माइनस 1 बाई 2, पावर नीचे आई तो माइनस 1 बाई 2 और 1 माइनस x स्क्वायर होगा, इसको अगेन करेंगे तो माइनस 2x होगा, पावर जो होगी माइनस 3 बाई 2 हो जाएगी, जिसको नीचे ले जाएंगे तो देखिए माइनस 1 बाई 2 का मतलब क्या होता है, रूट नीचे जाएगा प्लस में रूट हो जाएगा बाकी ये जाएगी, इसका मतलब पावर 3 बाई 2 है प्लस में। तो नीचे ला के इसको मैंने डिनोमिनेटर में ला के इसको इस तरह से मैंने रिटर्न किया, कैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 है, इसका मतलब ये हो गया रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1 अगर आप करते हैं तो आपका 3 बाई 2 फिर फाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दें कि वैल्यू तो हमारे पास आ गई, इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में पुटअप करना है और आज यहीं से आपकी डिफरेंशिएशन जो होगी फिनिश हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम फोकस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपका है 1 माइनस एक्स की पावर 2 एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड आपका है 1 माइनस एस की पावर 2 और y2, इसके बाद है माइनस का x y1 माइनस, तो हमें जीरो प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है माइनस 4 है, माइनस 4 है हमें यहाँ पे जीरो प्रूव करना है। जीरो कैसे प्रूव होगा इस चीज को जरा समझिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 1 माइनस आपका x की पावर 2 y2 है, तो y2 को वैल्यू को यहाँ पे देखते हैं, y2 आपके सामने ये है, ये y2 की वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू आपकी है पहली बात तो इसको आप कॉमन ले लें 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और तो अंदर बचेगा क्या, इसको कॉमन लेके बाहर दिखा दिया तो प्लस का 4 होगा और साथ में वैल्यू आपकी यहाँ पर बच रही है, क्या बच रही है प्लस का 2x है, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स है अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी हो गई y2 की, किसकी हो गई y2 की, और इसके बाद माइनस एक्स वाई वन है एक्स वाई वन, तो वाई वन देखिए आपके सामने ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, वाई वन जो आपका है 2 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंदर है साइन इनवर्स एक्स और माइनस आपका है कॉस इनवर्स एक्स, आर यू ओके, और माइनस का ये 4। अब देखना है कि ये सॉल्यूशन आगे कहां पर जाता है, हमने देखा कि ये इससे क्या हो रहा है कैंसिल हो गया, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, सो वी नो डाउट इसके कैंसिल होने के बाद हमारे पास वैल्यू बच रही है 4 प्लस 4 प्लस, इसका अंदर मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं या मैं नहीं भी करता हूं तो देखिए हमारे पास सिचुएशन क्या है, ये 2x है और साइन इनवर्स x है माइनस कॉस इनवर्स x है अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है, यही वैल्यू हमारे पास ये निगेटिव में है, ये इससे आपका कैंसिल हो गया, ये माइनस 4 यहाँ पर था 4 से 4 कैंसिल हो गया, जीरो फाइंड हो गया, आर यू ओके। इंप्रूवमेंट आते ही आपके हसाकु महाराज जो होते हैं ये वो आप खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से आज डिफरेंशिएशन का एंड हो रहा है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को डिफरेंशिएशन बहुत ही समझ में आया होगा, ये लास्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन का था। अब इसके बाद न्यू टॉपिक आपका
होगा जो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक डिफरेंशिएशन ना आता हो इंटीग्रेशन कभी नहीं आता। तो इंटीग्रेशन में मैं आपको वादा करता हूं कि सबसे पहले इंटीग्रेशन वेरिएशन बेसिक में आपको टीच करूंगा। जब तक बेसिक इंटीग्रेशन का समझ नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। और जो भी फॉर्मूले में लिखवाऊंगा, आज यहाँ डिफरेंशिएशन फिनिश हो रहा है तो याद रखिएगा उन फॉर्मूलों को लर्न करना बहुत ही जरूरी होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।